न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ पंत भाटिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले के कसरावत तहसील से, जहां ग्राम खल बुजुर्ग में बीड़ी पीने के दौरान लगी आग, एक बुजुर्ग की जलने से हुई दर्दनाक मौत। जी हां, कसरावत तहसील के बलकवाड़ा थाना की खलटाका चौकी क्षेत्र के ग्राम खल बुजुर्ग में रविवार की शाम करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग गुलाब पिता घीसिया मानकर शौच करने के लिए गाँव से कुछ ही दूरी पर गया था, जहाँ बुजुर्ग ने बीड़ी जलाई। इस दौरान आस पास भूसा पड़ा हुआ था, जिसमें अचानक भीषण आग लग गई, जिससे बीड़ी जलाने वाले बुजुर्ग की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मर्ग कायम किया। वहीं मृतक बुजुर्ग के शव का सोमवार सुबह कसरावत अस्पताल में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। दूसरी बड़ी खबर बड़वानी जिले के पलसूद से, जहां पुलिस ने किया गोवंश से भरी पिकअप वाहन को जब्त। जी हां, पलसूद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निवाली रोड मंडी के सामने से पिकअप वाहन को रोका, जिसकी जांच करने पर पिकअप वाहन में करीब 6 गोवंश भरे हुए थे। वही वाहन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। वही एक जीवन पिता कुंवर सिंह निवासी बापू नगर आगर रोड उज्जैन को गाड़ी में बैठा पाया गया। वह वाहन की तलाशी पर उसमें नीले रंग की तिरपाल के नीचे 6 गायों को क्रूरतापूर्वक मुंह पर बांध कर वध हेतु बूचड़ खाने मालेगांव ले जाया जा रहा था। वाहन में बैठे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह पूछताछ करने पर व्यक्ति से पता चला कि जिसमें 5 गाय जीवित पाई गई, वह एक जर्सी गाय मृत पाई गई, जिन्हें वध हेतु मालेगांव ले जाया जा रहा था। फिलहाल पलसूद पुलिस ने वाहन को जब्त किया, वही अपराध कायम कर आगे की कार्रवाई जारी है। न्यूज़ लीडर्स के लिए कसरावत से अबरार पठान और पलसूद से कमलेश सोनी की रिपोर्ट।